और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाला पांचवा टेस्ट मैच रद्द हो गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी बोरिया मजुमदार हमारे साथ जुड़े हैं। बोरिया, पूरी खबर एक्चुअली हम जानना चाह रहे हैं, क्या खबर है बीसीसीआई की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है? जी श्वेता, मैच कॉल्ड ऑफ हो गया है क्योंकि वो जो कोविड स्केयर हुआ था उसके बाद कल पूरी रात और आज सवेरे से भी मल्टीपल मीटिंग्स हुआ था बीसीसीआई और ईसीबी के बीच में और कोई स्टेलमेट का सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स जो है वो अनविलिंग थे खेलने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे सारे प्लेयर्स योगेश पारमार से ट्रीटमेंट लिए हैं, वो फिजियो हैं योगेश पारमार, कल आपको पता है उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि भारतीय प्लेयर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया था, बट फिर भी ये कहा जा रहा है कि हम लोग सब जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड 3-4 दिन का होता है, क्योंकि आपका उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ था, अगले 2-3 दिन में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो पूरी टीम को आइसोलेट करना पड़ेगा, 7 दिन के बाद आईपीएल है, वो भी प्रॉब्लम में आ जाता। सो ये सारे चीजें बीसीसीआई और ईसीबी के बीच में डिस्कशन हुआ, पूरी रात डिस्कशन हुआ। मुझे पता है ईसीबी के सीईओ हमारे टीम के कैप्टन से भी मिले, सबके साथ मीटिंग के बाद अनफॉर्चुनेट डिसीजन, बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन ये है कि ये टेस्ट मैच आगे नहीं जाएगा, ये रीशेड्यूल्ड होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये इनकम्प्लीट सीरीज माना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब डिसीजन बाद में लिया जाएगा। बट फॉर द मोमेंट आज के लिए बड़ी खबर यही है कि ये टेस्ट मैच नहीं आगे जा रहा है, और भारत 2-1 से ये श्रृंखला में आगे था, हम सब सोच रहे थे 3-1 होने वाला है, वो नहीं होगा, मैनचेस्टर में ये टेस्ट मैच, द इंपॉर्टेंट न्यूज पॉइंट इज नॉट हैपनिंग। बिल्कुल बोरिया, यानी कि अब जो खबर आपने बताई कि यानी कि रद्द हो चुका है ये टेस्ट मैच, ऐसे में समझना चाहेंगे कि क्या अब बीसीसीआई को वो हर्जाना भी भरना पड़ेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक अच्छा खासा आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा अगर आप रद्द करते हैं इस टेस्ट मैच को। तो सही बात है, बट कोविड के लिए अगर कोई टेस्ट मैच अबैंडन होता है, हमने पहले भी देखा है सीरीज अबैंडन हुआ है, मैचेस अबैंडन हुआ है, ये बीसीसीआई और ईसीबी के बीच डेलिबरेशन के बेसिस में होगा। अगर बीसीसीआई मैच नहीं खेलना चाहता था तो एक बात है, बट कोविड के लिए अगर आपके पास चारा नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो उसके बेसिस पे अगर मैच कैंसिल होता है या अबैंडन्ड होता है या रीशेड्यूल्ड होता है तो डिसीशन अलग होंगे, और इसमें ना बायलैटरल रिलेशनशिप का भी मामला आ जाएगा। सौरव गांगुली जैसा के साथ टॉम हैरिसन और इयन वॉटमोर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सो वो भी सामने आएगा कि वो कैसे डील कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम इन टू प्ले, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वो फोरफीटेड होगा कि कितना पैसा देना पड़ेगा टेलीविजन राइट्स के लिए, 300 करोड़ तक जा सकता है, वो सब अभी डिस्कशन में नहीं है। मुझे ये लगता है कि ईसीबी के साथ भारत का जैसे रिलेशनशिप है, ये एक सोल्यूशन निकाल लेंगे, बोलेंगे कोविड के लिए हुआ था, अगला साल जब भारत व्हाइट बॉल खेलने जाएगा तब शायद एक टेस्ट मैच अकोमोडेट करने का कोशिश किया जाएगा। सो ये सब चीजें बाद की बात है, अभी के लिए तो इतना ही श्वेता कि मैच नहीं हो रहा है, और वो सारे क्रिकेट फैंस वर्ल्ड वाइड के लिए थोड़ा सा डैम्पनर तो है ही। अभी हम आईपीएल की तरफ देखेंगे, एटलीस्ट आईपीएल ठीक ठाक होगा, क्योंकि ये प्लेयर्स सारे जो प्लेयर्स है अभी दुबई आएंगे, क्वारंटीन में जाएंगे और उसके बाद आईपीएल शुरू होगा। बिल्कुल, सभी को अब आईपीएल की ओर देखेंगे, लेकिन बोरिया यहाँ भी क्या इस बात पर भी गौर किया जाएगा, क्योंकि कोविड एक चीज है लेकिन जब ऑलरेडी वहां पर सीरीज चल रही है, वहां पर खेला जा रहा है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, और पहले भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था खिलाड़ियों को कि वो पर्सनल किसी कार्यक्रम में ना जाए, कहीं वो बाहर और विजिट ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि वो अलग अलग इवेंट्स में जा रहे हैं, तो एक जो बायो बबल था इनका वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, कोविड केसेस आ रही है, तो क्या इसे कंसीडर किया जाएगा? देखिए, ये जो बायो बबल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में कोई बबल नहीं है, आई मीन अभी अगर आप बात करें तो वो बुक इवेंट हुआ था, हमको सबको पता है, उसके बाद जो स्टेयरवेल भारतीय प्लेयर्स यूज करते हैं ग्राउंड में या होटल में, दिन में ग्राउंड में 3,000 लोग उस स्टेयरवेल को यूज करते हैं, मैं प्लेयर्स के साथ बात कर रहा था, मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा था, वो सेम लिफ्ट सेम स्टेयरवेल सेम जगह से दिन में 3-4 हज़ार लोग जाते हैं, सो ये इन्फेक्शन कहाँ से आया? ऑफकोर्स इंग्लैंड में अगर आप देखें, अभी तो ये भी प्रोटोकॉल आ गया है कि आप अगर 2 वैक्सीन आपका लग चुका है और आप आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो, तब भी आपको आइसोलेट नहीं करना है। सो इंग्लैंड में ये बायो बबल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही रिलैक्स कर दिया गया है, बट मुझे ये सुनने पे आ रहा है कि अभी ये क्वारंटीन जो होगा आईपीएल के लिए वो तगड़ा क्वारंटीन होगा, वो हार्ड क्वारंटीन होगा, दे विल नाउ कम टू दुबई और वहां से जो क्वारंटीन होगा बिफोर द आईपीएल
that is far more important because England में the bio bubble was relaxed. अगर आप जुलाई में देखें तो हमारे players European football देख रहे थे, Wimbledon में जा रहे थे, क्योंकि British government has relaxed all of these regulations. But as I said, you know, going to events, letting your guard down, ground में same lifts use करना, same venues use करना सबके लिए, all of these are you know, issues which people will now think about. But वो तो सब बात की बात है. The fallout is आपका test series चला गया. Fallout is आप match खत्म नहीं कर पाए. So यहाँ से lessons लेके future के लिए शायद we will try to. बिल्कुल. और इसी बीच बोरिया, जब हम बात कर रहे हैं, एक खबर कुछ ऐसी भी आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई बयान आया है इस सीरीज को लेकर के कि शायद वो इस सीरीज में इंग्लैंड जो है अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं और भारत हार गया है, कुछ इस तरह की कोई बात सामने आई है? देखो, कल से ही वो बोल रहे हैं कि फोरफीट कर दो. फोरफीट के बारे में मैंने बीसीसीआई से भी बात किया आपके साथ बात करने के पहले, अभी वो डिसीजंस नहीं आया है क्योंकि इंग्लैंड मान रहा है कि हमारे देश में रूल ये है कि आपका अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो आपको खेलना है, आप खेल सकते हो. रूल, लॉ ऑफ द लैंड ये मानता है कि आप खेल सकते हो, तो इंडिया क्यों नहीं खेल रहा है. सो ये वो कह सकते हैं. हैविंग सेड दैट, फोरफीट, इनकम्प्लीट, ये सारे डिसीजंस बात की बात है. हम क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, क्या हम ये मैच हार गए हैं, ये जो 2-2 वॉकओवर दे दिया गया है, all these questions are open ended. So these the answers to these questions abhi hamare paas nahi hai. Maine BCCI se ye seedha sawal pucha tha, four feature hai kya, wo bola gaya nahi. At this point in time all that we know is the match has been cancelled. Aur by the way, players ke paas bhi wahi information hai ki match cancelled hai, management ke paas bhi wahi. Lekin ECB ki taraf se boriya, lekin ye kaha ja raha hai, jo bayan aaya hai ECB ki taraf se, bataya ye ja raha hai ki chuki bhartiya khiladiyon ne mana kiya aur isi wajah se ise cancel kiya gaya hai. Correct. And ye bhartiya khiladi mana kar rahe the, ye kal raat se hi sahi baat hai. भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते हैं, इसका रिजल्ट कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वो कह रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड में उनके साथ फैमिली है, उनके पास सब कुछ है. बट ये बीसीसीआई मानेगा या आईसीसी में जाएगा, इसको लेके बयानबाजी होगा, झगड़ा होगा, डिस्कशंस होंगे, बोर्ड क्यों मानेगा? अगर आप मेरे से पूछते हो तो कोविड के लिए पहले भी तो टेस्ट मैचेस कैंसिल हुए हैं. सो ये हमें देखना पड़ेगा बीसीसीआई मानता है कि नहीं. ECB तो बोलेगा ही, क्योंकि अगर आप 2-2 मान लेते हो तो WTC के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं. अगर आप ये मान लेते हो तो दीज आर डिस्कशंस दैट जय शाह विल हैव टू नाउ डू. जय शाह एंड सौरभ गांगुली विल हैव टू टेक दीज मैटर्स अप विद ICC कि हम लोग फोरफिट क्यों करें. हम लोग अगर फोरफिट कर देते हैं तो हमने 2-1 से सीरीज में आगे थे, हम लोग, हमारा पॉइंट्स चला जाएगा, वॉकओवर्स मान लिया जाएगा, ये हम क्यों करें? अगर आपके प्लेयर्स भी यहाँ होते और ऐसे कोविड केसेस सामने आ जाते तो आप लोग क्या करते? So in the past there is examples जो ये use कर सकते हैं, but as I said, this is true that the Indian players were unwilling to play. ECB CEO मैंने आपसे कहा कल रात को भारतीय captain से भी मिले थे convince करने के लिए, but भारतीय players because of family, because of other reasons were not willing to play and they were apprehensive कि अगर और infection team में फैल जाए, सबको infected हो जाए, तब क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोरिया तमाम जानकारी के लिए. यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.